दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जब भी आप इंस्टाग्राम पर कोई भी स्टोरी अपलोड करते हैं तो आपकी जो स्टोरी होती है वो हर कोई देख सकता है। आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको आप अपनी स्टोरी नहीं दिखाना चाहते, तो ये कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो यहाँ पे आप अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी जिससे भी छिपाना चाहते तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने इंस्टाग्राम के अंदर जाना है और इसके बाद प्रोफाइल पे क्लिक करना है। और प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर ये जो थ्री लाइन दिखा दे रही है आपको इस पर क्लिक करना है। और इसके बाद आपको सेटिंग के अंदर जाना है और सेटिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मिलता है प्राइवेसी, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है स्टोरी, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे आप जिससे भी अपनी स्टोरी छिपाना चाहते हैं, जिस भी व्यक्ति को आप अपनी स्टोरी नहीं दिखाना चाहते, तो इसके लिए यहाँ पे मिलता है हाइड स्टोरी फ्रॉम, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आप जिससे भी अपनी स्टोरी छिपाना चाहते हैं उस व्यक्ति को यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं किसी और व्यक्ति को यहाँ पे अपनी स्टोरी नहीं दिखाना चाहता, तो यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकता हूँ। आप जिसको भी यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं उसको सर्च कर सकते हैं। आप जिससे भी अपनी स्टोरी छिपाना चाहते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ये जो व्यक्ति है इनसे अपनी स्टोरी नहीं दिखाना चाहता, तो यहाँ पे मैं इनको सिलेक्ट कर सकता हूँ और इसके बाद हम यहाँ पे बैक आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड स्टोरी फ्रॉम दो पीपल यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किए जो कि सबसे ऊपर आ चुके हैं। इसको मेरी स्टोरी अब नहीं दिखाई देने वाली है। इस प्रकार से आप जिसको भी यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि आगे से जब भी मैं कोई भी स्टोरी अपलोड करूँगा तो यहाँ पे इनको मेरी जो स्टोरी है वो नहीं दिखाई देने वाली, क्योंकि मैंने इनसे अपनी जो स्टोरी है वो यहाँ पे हाइड कर ली है, वो यहाँ पे छिपा दी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।